हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्राई एंड ट्राई अगेन। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 3D पेन फ्रॉम पेनोबोन, जो कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। तो चलिए देख लेते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या आइटम्स मिलते हैं। सबसे पहले एक 3D पेन, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक 3D पेन स्टैंड जिसमें आप अपना पेन रख सकते हैं, फिर है एक पावर अडैप्टर जो अभी मैंने स्विच से कनेक्ट कर रखा है। इसके अंदर आपको कुछ स्टेंसिल्स भी मिलते हैं जो अभी मेरे पास है नहीं। साथ ही आपको इसके साथ कुछ फिलामेंट्स मिलते हैं। मैंने कुछ क्राफ्ट्स बनाए थे तो उनमें उसमें वो फिलामेंट फिनिश हो गई थी, तो ये कुछ फिलामेंट्स हैं जो मैंने अलग से परचेज़ की हैं अमेज़ॉन से। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम 3D पेन को यूज़ कैसे करते हैं। तो आपके 3D पेन में आपको ये जो बैक पॉइंट दिखेगा उसमें आपको अपना पावर अडैप्टर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगे, PLA और ABS। जो भी आपकी फिलामेंट है, जैसे मेरी PLA है, तो मैं PLA सिलेक्ट करके ये फॉरवर्ड बटन वन टाइम प्रेस करूँगी तो अभी इसकी नोज़ल हॉट हो जाएगी। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो नंबर आ रहा है, जब यहाँ पर ग्रीन लाइट जल जाएगी इसका मतलब होगा कि हमारी नोज़ल पूरी गर्म हो चुकी है। फिर हम अपनी फिलामेंट इंसर्ट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ ग्रीन लाइट आ गई। ये है स्पीड बटन। यहाँ जब आप इसको पैक दबाएंगे तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है, और जब आप इसे नीचे ले जाएंगे तो ये इसकी मिनिमम स्पीड है। तो फिलामेंट इंसर्ट करने के लिए आपको इसको अपने स्पीड कंट्रोलर को मैक्सिमम स्पीड में रखना होगा। फिर ये जो आगे वाला पॉइंट है, इसमें हम अपनी फिलामेंट इंसर्ट करेंगे और इस वाले फॉरवर्ड बटन को प्रेस करके रखेंगे। तो देखिए अब फिलामेंट बाहर आने लग गई है। तो आप इससे बहुत सारे 3D ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही क्रिएटिव टॉय है। साथ ही आप इससे अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से बहुत सारे क्राफ्ट्स बना सकते हैं, और ये आपको बहुत हेल्प करता है 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने में। जिनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो मैंने बनाए हैं वो है ये एफिल टावर, स्पेक्स और एक पेन स्टैंड। ये मैंने अलग से बनाया था, फिर मैंने इसमें पेस्ट कर दिया था। तो अभी मैं 3D पेन ऑब्जेक्ट्स बनाने में एकदम परफेक्ट नहीं हूँ। धीरे धीरे आप ट्राई करेंगे तो आप परफेक्ट बन सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ क्विक इससे बना के दिखा देती हूँ। आपको अपनी फिलामेंट बाहर लाने के लिए इस बटन को 2 times अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी फिलामेंट बाहर आएगी, देखिए। और अगर आपको इसे स्टॉप करना है तो आप उसी बटन को एक बार फिर से प्रेस कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। ये देखिए मैंने प्रेस किया था और ये फिलामेंट बाहर आना स्टॉप हो गई। ये है स्पीड कंट्रोलर्स। अगर आप चाहते हैं कि फिलामेंट स्लोली आए तो आप इसको नीचे पुश कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिलामेंट फास्ट बाहर आए तो आप इसे अप ले जा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ मीडियम पे रहे, तो अब ये मीडियम आएगी, फिलामेंट मीडियम बाहर आएगी। ये देखिए अब कितनी स्लोली बाहर आ रही है।
तो अभी देखिए, अभी क्योंकि अभी फिलामेंट थोड़ी सी हॉट है, क्योंकि इसको अभी ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर ये अपनी प्रॉपर शेप में आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर एक लीफ बनाई है। आप चाहे तो इससे कई सारे 3D ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पे निर्भर करता है कि आप इससे क्या क्या बना सकते हैं। तो ये था मेरा 3D पेन ट्यूटोरियल। तो कैसा लगा आपको कमेंट कीजिएगा, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और एक बार मेरी तरह आप भी इस पेन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।